एक तरफ जहां गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा के लिए परिक्रमा को श्रद्धालुओं की भीड़ मथुरा पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों का अभियान शुरू हो गया है। जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत तमाम राज्यों से बाबा के अनुयायियों का आश्रम पहुंचना लगातार जारी है। वहीं बाबा के आश्रम प्रबंधन की तरफ से अनुयायियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आश्रम में जगह जगह उनके रुकने के लिए शामियाने लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भोजन के लिए भंडारे चल रहे हैं। आश्रम में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की गई है। नेशनल हाईवे समेत अन्य मार्गों पर पुलिस समेत स्वयंसेवक यातायात व्यवस्था को संभाले हुए हैं। यहाँ बाबा के आश्रम में होने वाले मेले में बिना दहेज की कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। जय गुरुदेव आश्रम समिति के प्रबंधक संत राम चौधरी ने बताया कि सालों से यह गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जाती है। आश्रम में 11 से 15 जुलाई तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। संस्था के अध्यक्ष पंकज बाबा सुबह 6 बजे से भजन एवं साधना का तरीका बताएंगे। सुबह 5 बजे से ध्यान आदि कार्यक्रम होंगे। इसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम होता है। मंगलवार को राष्ट्रीय उपदेशक बाबूराम और सतीश चंद ने अनुयायियों को प्रवचन दिए। इस समय तो जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ असम वगैरह के भी लोग, इसके बाद दिल्ली प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ लोग आंध्र प्रदेश से भी आते हैं। इस तरह से लोगों की उपस्थिति हो जाती। कर्नाटक से जैसे हमारे नीला जागी साहब आए हुए हैं, लोगों को लेकर। लगभग कितने लोग इस बार आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर? अब ये तो संख्या कल ही पता चल पाएगी, क्योंकि लोगों का आना बराबर जारी है। सर, उनके रहने, खाने पीने, ठहरने की क्या व्यवस्था है? टेंट लगाए गए हैं और पूरे मेला परिसर में जिलों द्वारा, प्रांतों द्वारा भंडारे चलाए जा रहे हैं और उस भंडारा लंगर में उनकी संगतें तो खाती ही हैं और कोई भी खा सकता है, तो खाने की कोई समस्या नहीं है और आवास की भी कोई समस्या नहीं है।